Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel. फ्रेंड्स, आप सबकी दुआओं से साथ खैरियत से हम लोग यहाँ पर चेन्नई पहुँच गए थे. और फ्रेंड्स, ये है चेन्नई का रेलवे स्टेशन. आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा है क्योंकि ये मेट्रो सिटी है चेन्नई और कैपिटल है तमिलनाडु की. तो काफ़ी बड़ा यहाँ का रेलवे स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत भी है. और आप देख रहे होंगे कितना क्राउडेड है. हर एक जगह का रेलवे स्टेशन तो क्राउडेड रहता ही है, लेकिन मेट्रो सिटी का रेलवे स्टेशन तो कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड रहता है. तो फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग हम लोग का वेलकम करने के लिए आए हैं. ये है फ्रेंड्स बाहर का व्यू रेलवे स्टेशन का. तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ मैंने आपको दिखाने के लिए शूट की थी ताकि मैं भी आपके साथ शेयर कर पाऊँ ये सारी चीज़. और फ्रेंड्स, अब मैं आपके लेके जा रही हूँ वहाँ पर जिसके लिए इतना लंबा सफ़र हमने तय किया, शंकर नेत्रालय, जो एक आई का हॉस्पिटल है. तो वहाँ पर मुझे मेरे फादर इन लॉ का ट्रीटमेंट कराना था, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आए थे चेन्नई ट्रीटमेंट कराने के लिए. तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, अब शंकर नेत्रालय अब हम जाएंगे और वहाँ की मैं बिल्डिंग की कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी. फ्रेंड्स, ये है शंकर नेत्रालय, बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है फ्रेंड्स यहाँ की. और ये वन ऑफ़ द बिल्डिंग ऑफ शंकर नेत्रालय, बहुत सारी बिल्डिंग्स है इस शंकर नेत्रालय की पूरे कैंपस में. और हमारा जहाँ अपॉइंटमेंट फिक्स था वो ये थी, इस बिल्डिंग में था. तो यहाँ पर हम आए थे और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग एक्चुअल में फ्रेंड्स एक दिन पहले ही आ गए थे ताकि सारी चीज़ों का हम अच्छे से पता कर लें कि क्या सब प्रोसीजर्स होते हैं, ताकि जिस दिन हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स था उस दिन किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. और यहाँ पर ना फ्रेंड्स, ये देखिए, ये यहाँ की बसेस है फ्रेंड्स. तो शंकर नेत्रालय की स्पेशल बहुत सारी बसेस होती हैं. और वो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा दिखाया हुआ है कौन सी बिल्डिंग में आपको क्या कराना है वहाँ पर, ताकि आप सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. अलग अलग फ्लोर्स हैं यहाँ पर और अलग अलग फ्लोर्स में अलग अलग टेस्ट और एग्जामिन्स होते हैं. ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता करनी होती है, लेकिन यकीन मानिए कि यहाँ पर आप कुछ भी पता करेंगे ना, बहुत हम्बल पोलाइट वे में सब लोग बात करते हैं, बहुत अच्छे से आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे. किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन या फिर टेंशन की कोई बात नहीं है यहाँ पर. तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो कैंटीन का एरिया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप इतना लंबा टाइम इस हॉस्पिटल में गुजारते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बाहर नहीं आप जा सकते हो, क्योंकि सारे टेस्ट वगैरह सब कराने होते हैं. तो ये है यहाँ की कैंटीन, यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम के ना अलग अलग मेन्यू होते हैं. साउथ इंडियन खाना खूब अच्छा यहाँ पर मिला था हम सबको और हम सब ने काफ़ी इन्जॉय किया. तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक काइंड ऑफ रिव्यू इस शंकर नेत्रालय का देना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि हमारे अपने किसी को भी तकलीफ़ होती है आँखों की, और ऐसा भी होता है किसी को हम जानते हैं जिसे आँखों की तकलीफ़ होती है और ट्रीटमेंट के लिए हम परेशान हो रहे होते हैं. तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना शंकर नेत्रालय में बहुत अच्छा आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं. और अगर आपको यहाँ पर ख़ुद नहीं आना तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होती है, आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और वो आपको एक प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट बता देंगे, आप वो फॉलो कर सकते हो. और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स. यहाँ पर बहुत अच्छे इंटेलिजेंट और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है और जिनको बराबर टाइम से ना बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है दी जाती है. और यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ऑप्थाल्मिक सर्विसेज है जिसे बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है. जो हमने फील किया, हमने एक्सपीरियंस किया ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. यहाँ पर आपने देखा होगा कि कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं और इन सारी फैसिलिटीज़ को भी बेस्ट वे में यूटिलाइज़ किया हुआ है. और पेशेंट के सेटिस्फेक्शन को वाकई में बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है यहाँ पर. आपको एंड
टाइम तक आपकी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से पूछी जाती है और फिर अच्छी तरह से आपको समझाया जाता है उस बारे में। और मतलब आप ये होता है कि आप यहाँ आके बहुत सेटिस्फाइड फील करते हो, और यही जो चीज़ें होती हैं ना बहुत ज़रूरी होती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ऐसा होता है ना कि किसी भी चीज़ की हमें कभी भी प्रॉब्लम होती है कुछ मतलब बॉडी से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और हर एक डॉक्टर अपने खुद के खूब सारे टेस्ट कराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर हम लोगों ने नहीं देखा। यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं ना, अगर आपने पहले से वो कुछ टाइम पहले भी कराए हुए हैं तो उनको उनके रेफरेंस से आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने खुद के सारे टेस्ट कराएं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग ना अगर आपने टेस्ट कुछ कराए हुए हैं तो भी उनको मानते हैं, उनको बेकार नहीं जाने देते, और जो भी उनको ज़रूरत होती है टेस्ट कराने की वो ज़रूर कराते हैं। तो बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगा कि अगर किसी को भी ना आई से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस हॉस्पिटल में ज़रूर जाएंगे। एशिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ का मैनेजमेंट है, स्टाफ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आकर ज़रूर आप ना अपना ट्रीटमेंट कराएं, और बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आप मतलब खुद ही सेटिस्फाइड फील करोगे यहाँ पर आकर। तो ये सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी थी आपके साथ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना लूँ इस पर और आपके साथ शेयर कर लूँ। आई होप इस मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकती है। अगर आपके कोई अपने को इसकी अल्लाह ना करे ज़रूरत हो, या कोई पहचान वाले हो जिसे इन सब की ज़रूरत हो, तो उस तक एक हेल्प पहुंचाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।